हेलो दोस्तों, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग आयतन पर आधारित प्रश्न का हल करेंगे। तो देखिए, इस प्रश्न को पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं हमें करना क्या है। तो देखिए, इसमें इस तरह का एक देख रहे हैं, सिलेंडर के आकार का या लंबवृत्त बेलन के आकार का एक बर्तन है जो जूस से भरा हुआ है। इसमें जूस भरा गया है जिसकी लंबाई अर्थात इसकी ऊंचाई 32 सेंटीमीटर दी गई है और इसका व्यास दिया गया है 30 सेंटीमीटर। तो इसमें जो जूस भरा है, इस जूस को एक गिलास दी गई है जिस गिलास की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 6 सेंटीमीटर है। इसी से भर करके बेचना है और एक गिलास को 3 रुपये में बेचना है। एक गिलास से भरे जूस को 3 रुपये में बेचना है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि बताइए, पूरा जूस बेचने में कुल कितना रुपया प्राप्त होगा। तो चलिए हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो देखिए, प्रश्न इस तरह का है कि एक बेलनाकार बर्तन जिसकी ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है तथा आधार का व्यास 30 सेंटीमीटर है, इसमें जूस भरा है। देख रहे हैं, जूस भरा है इसमें। इस जूस को 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले तथा 6 सेंटीमीटर व्यास वाले गिलास से 3 रुपये प्रति गिलास बेचे तो कितना रुपया मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए हम इसका हल करते हैं। तो हल कैसे करेंगे? तो हल करने के लिए देखिए, पहले देखिए जूस से भरा हुआ बर्तन जो है, तो जूस से भरा हुआ बर्तन इसकी ऊंचाई कितना है? इसकी ऊंचाई 32 है। हमने मान लिया कि h बराबर हो गया 32 सेंटीमीटर। देखिए त्रिज्या, इसका व्यास दिया गया है 30 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। तो व्यास अर्थात 30 में हमने 2 का भाग कर दिया तो हमें मालूम हो गया कि इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 15 सेंटीमीटर। इसी तरह से गिलास का भी हम निकाल लेंगे। तो जब गिलास का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए, गिलास का आ गया, गिलास की ऊंचाई हमने मान लिया कि h1 है और ये देख रहे हैं 8 सेंटीमीटर दिया गया है और त्रिज्या उसकी कितनी हो जाएगी, व्यास उसका 6 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या 6 का आधा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह इतना हमें मालूम हो गया। अब हमें करना क्या है, इन दोनों का आयतन निकाल लेना है। तो पहले हम निकालेंगे पूरे जूस का आयतन। तो लिखेंगे कि पूरे जूस का आयतन, तो पूरे जूस का आयतन निकालेंगे। हम क्या करेंगे, चूँकि ये लंबवृत्ति बेलन के आकार में है इसलिए हम क्या करेंगे, इसका लंबवृत्ति बेलन के आयतन के अनुसार निकाल लेंगे। तो लिखेंगे जूस, पूरे जूस लिख दें, पूरे जूस का आयतन तो हमें निकालना पड़ेगा इसका लंबवृत्ति बेलन का आयतन। तो लिखेंगे लंबवृत्ति बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो अब यहाँ पर हम पाई को पाई रहने देते हैं, आर के स्थान पर लिख देंगे 15 हो जाएगा। तो 15 घाते 2 और गुणे में एच इसका कितना है, 32। यहाँ 32 लिख देते हैं। तो इस तरह से ये मालूम हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम निकालेंगे गिलास में जो जूस आ रहा है उसका आयतन, एक गिलास जूस का आयतन, एक गिलास जूस का आयतन, एक गिलास जूस का आयतन। चूँकि गिलास भी बेलन के आकार का है
इसलिए बेलन का आयतन निकालेंगे तो लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, इसी से निकालेंगे तो पाई को पाई रहने देते हैं, आर के स्थान पर लिख देते हैं 3 का स्क्वायर और एच के स्थान पर लिख देते हैं 8। तो इस तरह से दोनों का आयतन हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है गिलास, कितने गिलास बनेगा, तो आप लिख देंगे कुल जूस कितने गिलास हो रहा है, तो आप निकालें गिलासों की संख्या। यहाँ लिखेंगे गिलासों की संख्या बराबर हो जाएगा कितना, आप लिख देंगे पूरे जूस का आयतन, तो हो गया पूरे जूस का आयतन और कुल के बटे एक गिलास जूस का आयतन। यहाँ लिख देंगे एक गिलास जूस का आयतन, एक गिलास जूस का आयतन। अब आपको मालूम है सबका अलग अलग मान रख देंगे, तो आप लिखें कितना, यहाँ हो जाएगा ये पूरे जूस का आयतन कितना है, पाई गुड़े 15 गुड़े 15, 15 के स्क्वायर को 15 गुड़े 15 लिख सकते हैं और गुड़े 32 हो जाएगा। और नीचे देखिए लिखेंगे पाई गुड़े 3 घाते 2 को लिख सकते हैं 3 गुड़े 3 और गुड़े 8। पाई से पाई कट गया, अब देखिए इसको काट सकते हैं 8 1 के 8 8 4 32, 3 1 के 3 3 5 15, 3 1 के 3 3 5 15। अब कितना आ गया, आप इसको लिख लेंगे तो देखिए कितना रहा है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं तो देखिए कितना आ गया, ऊपर आ गया 5 गुड़े 5 गुड़े 4 और नीचे कुछ नहीं बचा है, तो हम लिख देंगे कि 5 गुड़े 5 गुड़े 4, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 5 5 25 25 4 100 हो गया। ये तो आ गया 100 गिलास। अब आपको निकालना है कितना कितना रुपया मिलेगा, एक गिलास जूस कितने बेचा जा रहा है, तो देख रहे हैं ये दिया गया है कि एक गिलास जूस 3 रुपये बेचा जा रहा है, तो 100 गिलास का मूल्य कितना हो जाएगा, अब आप निकाल सकते हैं, लिख दें कितना हो जाएगा, 100 गिलास जूस का मूल्य कितना हो जाएगा, जूस का मूल्य 100 गुणे 3 कर देंगे, 100 गुणे 3 करें कितना जाएगा, आ गया 300। तो 300 रुपया पूरा जूस बेचने में मिलेगा। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और लाइक करना मत भूलिएगा और हमें कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।